राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम का ऐलान किया। तारीख की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दल जीत का फॉर्मूला निकालने में जुट गए हैं। इन 12 सीटों पर जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर इन 12 सीटों में से करीब 10 सीटों पर कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस तो कुछ सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस चुनाव के बाद कैसे बदलेगा राज्यसभा का गणित। पहले जानिए कहां कहां खाली है सीटें। महाराष्ट्र के राज्यसभा में 2 सीटें, बिहार के राज्यसभा में 2 सीटें, असम में 2 सीटें, त्रिपुरा में 1 सीट, हरियाणा में 1 सीट, राजस्थान में 1 सीट और मध्य प्रदेश में 1 सीट, उड़ीसा तेलंगाना में भी 1-1 सीट खाली है। क्यों खाली हुई ये सीटें? इन 12 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जो उस संसद के सदस्य लोकसभा चुनाव में जीतने की बात खाली हुई है, जबकि तेलंगाना और उड़ीसा में 1-1 राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, इसलिए राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। पहले इन 12 सीटों की क्या स्थिति थी? अगर इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे थी, उसने 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की दोनों सीट पर बीजेपी का कब्जा था, बिहार की 1 सीट पर बीजेपी का तो 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा था, असम की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में केशव राव ने भारतीय राष्ट्र समिति छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि उड़ीसा में बीजू जनता दल की सांसद ममता मेहता ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दी। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी मजबूत। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि यहाँ भी बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 1 सीट से जीत दर्ज कर लेगी। इसके अलावा त्रिपुरा में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। असम में भी एक तरफे मुकाबले की बात। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी असम में अभी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसके अलावा पिछली बार भी दोनों सीटों पर उसी का कब्जा था, ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार भी असम की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज की जा सकती है। राजस्थान में बीजेपी आगे। राजस्थान की 1 सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं, इस सीट पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरह प्रदर्शन किया है उससे बीजेपी एक बार फिर यहाँ जीत दर्ज कर सकती है। महाराष्ट्र और बिहार में कड़ी टक्कर। महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो यहाँ कड़े मुकाबले की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 1 सीट पर आरजेडी और एक तरफ बीजेपी जीत मिली थी, इस बार भी काफी कड़ा मुकाबला हो सकता है। वजह है कि विपक्षी दलों के पास पर्याप्त सीट होना। उड़ीसा में बीजेपी तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार उड़ीसा में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंका है। इस बार उसके पास नंबर ज्यादा है, इसलिए उड़ीसा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहां रेवत रेड्डी के अनुयायी में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, पार्टी के पास विधानसभा की अच्छी संख्या है। एक्सपर्ट कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार सकती है। हरियाणा में इसलिए सबसे कठिन मुकाबला, सभी राज्यों में से हरियाणा में सबसे कठिन मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में अब 87 सदस्य हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं,
इसके अलावा दो विधायक निर्दलीय नयनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी भाजपा को समर्थन है। बीजेपी के पास कुल 54 विधायक का समर्थन है। वही विपक्ष पर नजर डाले तो उनके पास 43 विधायक है। इसमें कांग्रेस के पास 28 विधायक, जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक और 3 निर्दलीय रणधीर धर्मपाल गोदारा और सोमवीर संगवान, चौथा निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला भी शामिल है। 3 निर्दलीय रणधीर धर्मपाल और सोमवीर ने पहले ही सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया।